हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो मैं यहाँ पे कीवी को स्कूल से लेने जा रही थी, और उसके बाद कीवी के पापा ने अचानक से बोला कि चलो आज डाट काली मंदिर चलते, क्योंकि मेरा आज व्रत था। तो हम यहाँ पर डाट काली मंदिर के लिए निकल चुके थे, और अचानक ही हमारा प्लान बना था डाट काली मंदिर जाने का। तो मैं आपको बताती हूँ, जो डाट काली मंदिर है ये यहाँ देहरादून से 14 किलोमीटर जो सहारनपुर वाली रोड है उसमें स्थित है ये मंदिर। और इस मंदिर की बहुत वैल्यू है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जब हम डाट काली मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये भद्रकाली का मंदिर मिलता है, जो लोग देहरादून की तरफ से आ रहे होंगे, और जो लोग सहारनपुर की तरफ से आ रहे होंगे उन लोगों को पहले डाट काली मंदिर मिलेगा। और जो ये डाट काली मंदिर है ये भगवान शिव की पत्नी सती माता का अंश है, और ये 1804 में बना था। और ऐसे बोला जाता है कि जब ये मंदिर बन रहा था तो जो यहाँ पे इंजीनियर थे उनकी सप्ते में माता काली माता आई थी, और फिर उन इंजीनियर ने जो यहाँ मंदिर के महंत थे उनको एक मूर्ति दी थी, और वो मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो फिर यहाँ पर हम मंदिर में पहुँच गए थे, और इनकी यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं है, बट रोड में ही काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। तो सभी लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई हुई थी, और आपको यहाँ पे सामान मतलब जिस हिसाब से रोड पे है तो यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा भगवान का। और इन लोगों ने ना अलग अलग टोकरियाँ बनाई होती हैं, 51 रुपये की, 101 रुपये की, इस तरह की टोकरी होती है जिसमें माता रानी का श्रृंगार, चुन्नी, फूल, प्रसाद, अगरबत्ती, धूपबत्ती ये और नारियल, ये सारा कुछ इसमें होगा। तो चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ में माता रानी के दर्शन कीजिए। तो सबसे पहले ये माता रानी का मेन दरवाज़ा है, यहाँ पर ही इन्होंने फूल के इस तरह से ये लोग कटोरियों में फूल अलग से जो आपको चढ़ाने हैं उसके लिए इस तरह से फूल की कटोरियाँ रखी हुई थी, और जिनका प्राइस था 20 रुपये। 20 रुपये में ये पूरे इन्होंने फूल रखे हुए थे। और तो फिर यहाँ पे से हमने ये फूल खरीदे और हम अंदर माता रानी के दर्शन करने गए। तो आप देखिए, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें कि भंडारा भी होता है, और जैसे बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं तो वो यहाँ पे अपना ठहर भी सकते हैं। तो फिर हमने माता रानी के दर्शन करे, तो अंदर माता रानी की मूर्ति है जो स्थापित करी हुई है सबसे अंदर। वहाँ पे बाहर पे एक पंडित जी हैं जो कि आपका जो भी प्रसाद होता है वो लेते हैं, माता रानी को वहाँ पे वो चढ़ाते हैं, और आपको का जितना भी श्रृंगार होता है आपको सिर्फ धूपबत्ती वो छोड़ देते हैं आपकी टोकरी में, बाकी सारी चीज़ें वो चढ़ाते हैं, और आपको प्रसाद, नारियल और ये चुन्नी आपको देते हैं, और आपका टीका करते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति स्थापित करी हुई थी। तो बस हम भगवान जी, सारे भगवान जी जितने भी शिव, पार्वती, काली माता, हनुमान भगवान जी, राधे कृष्ण भगवान जी, सबकी परिक्रमा करते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर यहाँ पे हवन कुंड में जो नारियल पंडित जी ने हमें दिया हुआ था उसका आधा भाग हमने हवन कुंड में चढ़ाया, और आधा हमने प्रसाद के रूप में रख लिया था अपने पास में। और आप हवन कुंड में देख रहे होंगे बहुत सारी चुन्नियाँ लगी बांधी हुई है, तो ये चुन्नियाँ जो हैं भक्त लोगों ने अपनी कुछ भी माता रानी से इच्छा के हिसाब से कुछ मांगा होता है तो वो लोग बांधते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ पर आके इन चुन्नी को खोल के जाते हैं और माता रानी के दर्शन करके जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे भंडारा भी करते हैं, मतलब आप लगभग जब भी आओगे तो आपको यहाँ पे भंडारा तो होते हुए मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। पूरे मंदिर में धूपबत्ती, अगरबत्ती जो भी जलाना होता है उसका ये स्थान हवन को यहीं पर ही है, यहीं पर हमें जलाना होता है। बाकी कोई भी स्थान मंदिर में ऐसा नहीं है जहाँ पे कि आप अगरबत्ती धूपबत्ती जला सकते हो। और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति थी उनकी पूजा करी हमने यहाँ पर। और तो ये जो आप पीतल का दिया यहाँ पे देख रहे हो इसकी लौ 1921 से इसी तरह से जल रही है, और इसको अखंड दिया बोला जाता है।
फिर इसके दूसरे साइड में भी दुर्गा माता का ही मंदिर है, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा था तो ये बंद हुआ था इस टाइम पर। फिर हमने यहाँ पे काली चालीसा पढ़ी, दुर्गा चालीसा पढ़ी। और सच में गाइस, अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में आप बहुत हताश हो रहे हो तो और ज़िंदगी में सुकून आपको चाहिए तो आप मंदिर ज़रूर आइए, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। कहते हैं ना, भगवान के अक्का घर है, तो इससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिल सकता है गाइस। तो फिर यहाँ पे भंडारा चल रहा था, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने भंडारे से प्रसाद लिया इन्होंने, और मेरा तो व्रत था तो मैं प्रसाद नहीं ले पाई यहाँ पे। तो यही था आज का दिन, फिर हम यहाँ से घर के लिए निकल गए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो